यूपी में जहां अपराधी योगी सरकार में अपराध करने की सजा भुगत रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अपराध करने वालों के घरों पर बाबा योगी का बुलडोजर खूब गरज रहा है। इसी कड़ी में शाहजहांपुर पुलिस ने अफीम की तस्करी करने वाले 5 तस्करों को गिरफ्तार कर बड़ी कार्रवाई की है, जिनके 5 से 8 किलो अफीम बरामद की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 8 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बता दें कि थाना सेरामऊ दक्षिणी पुलिस ने एसओजी की मदद से शाहबाद रोड पर मुखबिर की सूचना पर चेकिंग अभियान चलाया। शाहबाद की ओर से शाहजहांपुर की तरफ आ रही एक लग्जरी कार को पुलिस ने रोककर तलाशी ली तो पुलिस ने कार के अंदर से 8 किलो अफीम बरामद की है। साथ ही पुलिस ने 5 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने पुलिस को बताया कि पिछले काफी समय से 5 आरोपी अफीम की तस्करी कर रहे हैं। उत्तराखंड और पीलीभीत के रहने वाले तस्कर आपस में दोस्त हैं। एसपी अशोक कुमार मीणा ने बताया कि 5 अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्करों के 5 से 8 करोड़ रुपए की अफीम बरामद की है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, उसके बाद उनको जेल भेजा जाएगा। सीईओ सदर एंड एडिशनल एसपी सिटी के नेतृत्व में एसओजी टीम और थाना सेराव दक्षिण की टीम के द्वारा चेकिंग के दौरान कल रात को करीब 2:10 पर सेराव दक्षिण चौराहे से 5 अंतर्राज्यीय अफीम तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं, जो उनके पास से करीब 8 किलो फाइन क्वालिटी की अफीम बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्लैक मार्केट में कीमत करीब 8 करोड़ रुपये है। साथ ही साथ उनके पास से 1,67,370 रुपये नकद बरामद हुए हैं और साथ ही साथ जो टच स्क्रीन मोबाइल है वो भी बरामद हुए हैं और 4 पहिया ब्रेजा गाड़ी बरामद हुई है। जो ये लोग अरेस्ट हुए हैं उनके नाम कुलदीप सिंह जो कि उधम सिंह नगर का रहने वाला है, पवन कुमार जो कि झारखंड का रहने वाला है, इकबाल सिंह जो पीलीभीत राज्य उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, मनिंदर और संदीप ये दोनों उधम सिंह नगर उत्तराखंड के रहने वाले हैं। जो कुल बरामद की है उसमें इनके पास से 4 आधार कार्ड, 3 पैन कार्ड और 1 ड्राइविंग लाइसेंस, 1 ATM कार्ड भी बरामद हुआ है। इनकी जो मॉडल्स ऑफ ऑपरेंडी है कि कुलदीप। यूपी पुलिस अपराध में शामिल लोगों पर जहां नकेल कसने की पुरजोर कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी ओर इस कार्रवाई के बाद से आला अधिकारी पुलिस की तारीफ करते नहीं थक रहे। पंजाब केसरी टीवी के लिए शाहजहांपुर से नंदलाल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।